हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे लगा कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया है, तो मैं वो शुरू करने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश बजट के बारे में। तो एक सरसरी निगाह डालते हैं उत्तर प्रदेश के बजट पर। हालांकि बजट तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक नज़र में इसको हम देख सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2017-18 के बारे में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार चेंज हुई है। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, तो वो एकदम नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कुछ भी किया गया उससे कुछ पूछा जाए या ऐसा कुछ करके। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को अपना करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो बजट था ये किसने पेश किया था, तो वित्त मंत्री ने पेश किया था और उनका नाम था राजेश अग्रवाल। ठीक है, अरुण जेटली जो है वो केंद्र में हैं और हमारे राज्य के वित्त मंत्री कौन है, राजेश अग्रवाल। भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके द्वारा बजट पेश किया गया पहला बजट है। ठीक है, और ये पेश हो रहा है 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई 2017 को ये प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, 11 जुलाई 2017 को। 11 जुलाई को दोस्तों जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पिछले साल 11 जुलाई की बात करें अगर 2016 में, तो उस दिन अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, हालांकि उस रिकॉर्ड को बाद में एमपी ने तोड़ दिया, लेकिन वो याद रखिए कि वो 11 जुलाई का ही मैटर था। तो अभी 11 जुलाई 2017 को जिस दिन जनसंख्या दिवस है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वैसे भी सबसे अधिक है, उसी दिन ये बजट पेश किया गया। तो ये डेटा आप नहीं भूलेंगे ना, याद रखिएगा। और ये बजट पेश कितने का हुआ, तो 3.84 लाख करोड़ का। कितने का, 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ। 2016-17 के अगर सापेक्ष में इसको देखा जाए तो यह 10.9% अधिक है, मतलब लगभग 11% बोल सकते हैं ना, 10% 10.9 है, 0.1 की ही तो कमी है, यानी 11% अधिक है। ठीक है, अगर हम बात करें 2016-17 के बजट से, तो यानी बजट जो है वो अधिक पैसे का प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं कुल प्राप्तियां यानी टोटल रिसिप्ट कितनी कितनी थी। तो देखिए, दो तरह की होती है, एक राजस्व होता है रिवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट जिसको पूंजीगत आय कहते हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां, तो इसमें इस पूरी के पूरे हमारे रिसीट में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है राजस्व का, यानी रिवेन्यू रिसीट का, ये है 84.68%। 68 कैसे याद करेंगे, 84 के बाद 86 आता है, लेकिन उसको उल्टा करके रखिए। ठीक है, यानी 68%, तो 84.68%, और इसका बच गया कितना, तो 15.32%। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज़ों को। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो किसका है, वो किसका है, रिवेन्यू रिसीट का, बाद में फिर कैपिटल रिसीट का। राज्य की ऋणग्रस्तता, अगर हम ऋणग्रस्तता की बात करें, तो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का यानी जीएसडीपी का, जीएसडीपी मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जीएसडीपी, ठीक है, बता देता हूँ मैं, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये कितना है ऋणग्रस्तता का, कितना ऋणग्रस्तता है इसका, जीएसडीपी का कितना है, तो 28.6% है। ध्यान दीजिएगा, टोटल जीडीपी का, जो राज्य का जीडीपी होता है ना, राज्य के टोटल जीडीपी का 28.6% क्या है, राज्य की ऋणग्रस्तता है। और टोटल जीडीपी का, राज्य के टोटल जीडीपी के राजकोषीय घाटा कितना है, तो वो है 2.97%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2.97%। इस प्रकार के बजट में, इस बार के बजट में 55,781.96 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। मतलब जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उनके लिए जो बजट में प्रावधान है वो तो है ही है। इसके अलावा आप ऐसे याद कर सकते हैं, लगभग 55,500 करोड़, एक लमसम अमाउंट पकड़ा करिए। ठीक है, लगभग 55,500 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हुई हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश ने अपनी विकास दर कितना तय किया है, अगले 5 सालों के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी विकास दर तय किया है 10% के रेट से। 10% तो हमारे भारत का नहीं चलता है। ठीक है, 10% का लक्ष्य इन्होंने रख लिया है, तो लक्ष्य को आपको याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष, जन्म शताब्दी वर्ष, देखिए जन्म का वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष की बात कर रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में उत्तर प्रदेश मनाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश किस रूप में मनाएगा। वैसे 2017 को यूएनओ जो मना रहा है वो पर्यटन दिवस के, पर्यटन वर्ष के रूप में मना रहा है। ठीक है, पर्यटन के लिए, और उसी तरह से 2017 के लिए ये क्या मना रहे हैं, ये गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं। इसके पहले जब अखिलेश यादव थे तो वो मनाते थे कृषि एवं युवा के लिए। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा, ये विश्व गरीब कल्याण वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को ये ध्यान दिए होंगे इस बात पे। ठीक है, और जो लोग दिए हैं तो अच्छी बात है। बजट में अनुपूरक पोषाहार के वितरण हेतु,
इसके लिए अनुपूरक पोषाहार के वितरण हेतु प्रत्येक माह की हर महीने में बात करते हैं। हर महीने की 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख, 3 हैं लाइन से, ठीक है। 5 तारीख को बनाया जाएगा बचपन दिवस। क्या बनाया जाएगा? हर माह की 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 तारीख को लाडली दिवस और 25 तारीख को ममता दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो लाडली दिवस मना रहा है, तो अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बचपन दिवस, लाडली दिवस और ममता दिवस कब कब? तो हर महीने की 5, 15 और 25 तारीख को, ठीक है। ये बात एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस थोड़ा ही है, मैंने बजट को बहुत छोटे में लिख दिया है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश क्या करेगा? अपना उत्तर प्रदेश दिवस मनाएगा। क्यों 24 जनवरी को मना रहा है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हुआ था। पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है ना, तो उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया गया। संयुक्त प्रांत था पहले, उससे क्या हो गया उत्तर प्रदेश। एक योजना चला रहा है उत्तर प्रदेश, सबरी संकल्प योजना। ये थोड़ा डिफरेंट है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो सभी को पता होती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो टिपिकल होती हैं। एग्जाम में आ जाए सबरी संकल्प योजना तो आप क्या गेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ गेस करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। समझिए ध्यान से क्या होता है। गर्भवती महिलाओं को, जो भी महिलाएं गर्भवती है ना, गर्भवती महिलाओं को 5 वर्ष तक के लिए अति कुपोषित बच्चे जो होते हैं ना उनके, उनको अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा किसको? 5 वर्ष जो अति कुपोषित बच्चे हैं 5 वर्ष तक के, ठीक है, तो उनको दिया जाएगा। याद रखिएगा सबरी संकल्प योजना। इसके अलावा बनारस, बनारस से निकल जाइए कानपुर, कानपुर से आगरा और इधर गोरखपुर, ठीक है। ये पूरे के पूरे 4 जगह रेल, मेट्रो रेल जो है प्रस्तावित हो चुका है और यहाँ की अब जो है मैपिंग वगैरह की जा रही बनाने की। हालांकि प्रस्तावित वगैरह तो आपने सुना होगा कि इलाहाबाद भी है, लेकिन अभी नहीं, अभी इन 4 शहरों में स्टार्ट करने की योजना है। कौन कौन सी? बनारस, गोरखपुर, कानपुर और आगरा, 4 जगह पर, ठीक है। मथुरा में 2 नई चीज़ें खुल रही हैं, एक गीता शोध संस्थान खुल रहा है, एक कृष्ण संग्रहालय खुल रहा है। इसी तरह का राम संग्रहालय भी, एक राम म्यूजियम खुल रहा है अयोध्या में, वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मथुरा में गीता शोध संस्थान और कृष्ण संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके अलावा इलाहाबाद, कानपुर, बांदा, फैजाबाद और मेरठ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद, कानपुर, बांदा, फैजाबाद और मेरठ, इन 5 जगहों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। क्या है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो यह विभिन्न फसलों पर अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये बनाया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी यहाँ किया गया है। कुछ टारगेट हैं उसको देख लेते हैं कि राज्य सरकार के कुछ टारगेट हैं, कौन कौन से टारगेट हैं। तो राज्य सरकार का कहना है कि अक्टूबर 2018 तक वह 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करेगी सभी को, ठीक है। कब? ये टारगेट है अक्टूबर 2018 तक का। और 2019 में सरकार का कहना है कि हम 100% विद्युत आपूर्ति देंगे, मतलब हर गांव को विद्युत मिल जाएगा, सभी जगह पे विद्युत हो जाएंगे, बाकी हर जगह पे 100% विद्युत आपूर्ति देने का लक्ष्य रखा है 2019 में। 31 दिसंबर 2017 को खुले में शौच मुक्त, देखिए शौच मुक्त नहीं है, खुले में शौच मुक्त करेंगे वो 30 जिलों के, और ऐसा नहीं कि पूरे पूरे जिलों को करेंगे, ये 30 जिलों के जो नगर हैं ना उन नगरों को करेंगे, पूरा जिला करने मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ नगर की बात करें। और 2 अक्टूबर 2018 तक समस्त नगरीय क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं सब के सब शौच मुक्त हो जाएंगे। ग्रामीण की बात नहीं हो रही, यहाँ टेक्निकलिटी छिपी हुई है, लोग एक बार में पढ़ लेते हैं ऐसे कि नहीं खुले में शौच मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश अपना पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं होगा। गांव में आज भी लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं होती। आपने मूवी देखा होगा टॉयलेट एक प्रेम कथा, और उसमें देखा होगा कि मेंटेलिटी लोगों की कैसी होती है, तो बिल्कुल वो सही तरह से फिल्म में एकदम दिखाया गया है। आइए देखते हैं इसके बाद एक योजना है सर्वदा योजना, और ये योजना चल रही विद्युत चोरी रोकने के लिए। ये तो मुझे लग रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया है सर्वदा योजना तो कुछ नदी उदी से कर दिया या फिर किसी उदय की बात कर दिया तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ विद्युत चोरी की बात थी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चोरी को रोकने के लिए किया गया सर्वदा योजना। राज्य में 75 बिजली थाने बनाए जाएंगे, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है ना, राज्य में 75 बिजली थाने बनाए जाएंगे, ये सरकार की योजना है। इसके अलावा प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को, हर महीने के प्रथम शुक्रवार को गन्ना किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर माह के प्रथम शुक्रवार को क्या मनाया जाएगा? गन्ना किसान दिवस मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। थोड़ी सी और बातें मैं करूँगा आखिरी, देखिए थोड़ा सा बजट में देख लेते हैं कितने रुपए का प्रावधान किया गया। तो 10 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है कुल 3 चीज़ों पे किया गया है। एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना। क्या है?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि संबंधित योजना। अच्छा, ये किस लिए बनाया गया आखिर में, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे। देखिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो बीहड़ बंजर एवं जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं ना, उनको सुधारने के लिए ये कृषि मजदूरों को आवंटित करेगा, भूमि यहाँ से कराया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के कितनी बात करेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बीहड़ हैं, बंजर हैं, जल भराव जाते हैं यानी बाढ़ की समस्या से ग्रसित हैं, वहाँ के किसानों को आजीविका देने के लिए इस योजना को चालू किया गया है। कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि, ताकि किसान समृद्ध हो सके उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये क्या है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ध्यान समझिएगा कि यह जो स्वरोजगार होते हैं ना, पारंपरिक स्वरोजगारियों की सहायता के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। किसके लिए? स्वरोजगारों के सहायता के लिए विश्वकर्मा सम्मान। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये तो मैंने बताई दिया था आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि जो 5 शहर शामिल किए गए थे, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा और इलाहाबाद, वहाँ पर फसल अनुसंधान बनाए जा रहे थे, रिसर्च सेंटर फसलों के लिए, ठीक है, वही था। बाकी आपने देखा कि अभी ऋण माफ़ी हुई है, ठीक है, फसल ऋण माफ़ी योजना आई थी, इसमें 36,000 करोड़ का सरकार ने प्रावधान किया था और 1,00,000 का अधिकतम जो है माफ़ किया जाता था ऋण, ठीक है। तो कुल 56,00,000 किसान थे और सीमांत किसान भी इसमें शामिल थे, तो उनकी माफ़ी हुई है। और ये योजना ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ फसलों के ऊपर थी, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसमें जो है कितना सरकार इन्वेस्ट कर रही है, तो ये 968.57 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ऊपर लगभग 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे 4500 करोड़, और ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जो रखा गया यही है 4500 करोड़, ठीक है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना, ये सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा तो आपका और भी कम थे, ये 213 करोड़ का है, ठीक है, 213 करोड़ का है। रूर्बन नाम से रूलर और अर्बन जब मिला गया था तो रूर्बन हो गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 3255 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिएगा यहाँ ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, और ये वाला भी ग्रामीण था, ये आवास योजना था और ये स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभी किसको चुना गया है, तो ये अक्षय कुमार को, ठीक है। और स्किल इंडिया के लिए दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को चूज कर लिया गया है, और अगले बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मतलब 2017 का वो भी उनको दिया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा उन दोनों टॉपिक्स को। स्वच्छ भारत मिशन में कितना है 3255 करोड़ रुपए का, और अगर हम इसी को शहरी में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का। एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन में है क्या, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने के लिए प्रावधान है, ठीक है, और ये उसी के लिए पैसा है। अमृत योजना, ठीक है ना, अमृत नहीं है, अमृत योजना है, अमृत, ठीक ना, इसके लिए 2000 करोड़ रुपये है, और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपये है। बाकी है तो बजट में बहुत सारे, लेकिन आपको इतनी बातें ध्यान देनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए, ठीक है। और हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोरिंग करें यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।